हेलो बच्चों बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट कैसे सॉल्व किया जाते हैं। ये ट्रांजिएंट सर्किट आईआईटी एडवांस केवीपीवाई और ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो से हेल्प तभी मिलेगी जब आपने पहले से आरसी सर्किट का बेसिक लेवल पढ़ रखा होगा। अगर आपने बेसिक लेवल नहीं पढ़ रखा है इसका, तो शायद ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसे पढ़िए, फिर वीडियो को वॉच करिए। और अगर आपका पहले बेसिक लेवल आपने सीरीज आरसी सर्किट पढ़ लिया है ट्रांजिएंट सर्किट, तो उसके बाद ये बहुत हेल्प करेगा। आईआईटी एडवांस में जनरली इसका क्वेश्चन आता रहता है, मतलब कन्फर्म सा ही हो जाता है, तो इसे ध्यान से सीखते हैं। पहले मैं आपको एक ऑर्डिनरी तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट है, जनरली कॉम्प्लिकेटेड से और इजी से क्या मतलब है, जनरली मैं रेजिस्टेंस ऐसे बनाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये तो ये बैटरी है। तो ये वाला केस आप पढ़ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इसका चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम, वोल्टेज, ये सब आप समझ चुके हैं। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो समझा रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में क्या करते हैं। ये स्विच ऑन करा, अगर टी इक्वल टू जीरो पे ऑन किया है स्विच, अगर टी इक्वल टू जीरो पे पूछे आपसे या टी इन्फिनिटी पे पूछे आपसे, तो आप सोल्व कर जाते हो। इसको भी सिखाया गया होगा आपको कि भाई ये स्टेडी स्टेट पे फुल चार्ज हो जाता है, तो कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर इस केस में स्विच ऑन हुआ टी इक्वल टू जीरो पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम टी पे बताओ इस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट, कितना होगा, कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, तब ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका क्लासिकल तरीका, मतलब जो जनरली सॉल्व किया जाता है जिस मेथड से, वो सिखा रहा हूँ। देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच से किसी टाइम टी पे, हम किसी टाइम टी पे पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें करंट जाएगा आई, और इसमें मान लिया आई वन मान लेते हैं, ठीक है। और तो इस ब्रांच से कितना आएगा, आई प्लस आई वन, क्लियर है। अब हमारे पास केवीएल बचता है, तो एक इक्वेशन मैं ऐसे लगाऊंगा और एक इक्वेशन ऐसे लिख लूंगा। केवीएल आपको पता होना चाहिए, देखो 6 माइनस, पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं 2 आई प्लस आई वन, ठीक है। फिर इस रास्ते से हम आ जाते हैं माइनस 4 आई वन इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया ये 6 माइनस 2 आई माइनस 2 आई वन माइनस 4 आई वन इक्वल टू जीरो, 6 माइनस 2 आई माइनस 6 आई वन इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 2 और इक्वल टू 6 आई वन, ठीक है। तो आई वन आ जाएगा यहां से 6 माइनस 2 आई अपॉन 6, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा 3, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया मैंने, अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये लूप सेकंड में ये इक्वेशन होगी, अगर हम ऐसे चलते हैं प्लस 4 आई वन और माइनस 3 आई माइनस, इस पर किसी टाइम चार्ज होगा क्यू, ये माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बाय 8। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं माइक्रो को, फैरड है ये, तो माइक्रो को गायब कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यूज कर लूंगा डायरेक्ट, ठीक है, तो माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू जीरो। अब देखो आई वन की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ रख देता हूँ 4 इंटू 3 माइनस आई वन अपॉन 3 माइनस 3 आई, आई वन की वैल्यू मैंने ये रख दी, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया 3 माइनस आई माइनस 3 आई माइनस क्यू बाय 8 इक्वल टू जीरो। देखो एलसीएम लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 माइनस 4 आई बाय 3 माइनस 9 आई, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ठीक है, माइनस क्यू बाय 8 इक्वल टू जीरो, क्लियर है। ये हो जाएगा 12 माइनस 13 आई अपॉन 3 इक्वल टू क्यू बाय 8, क्लियर है बच्चों। अब देखो 12 माइनस 13 आई और ये 3 ऊपर ले गया मैं 3 बाय 8 क्यू, ठीक, ये हो जाएगा इधर से 12 माइनस 3 बाय 8 क्यू इक्वल टू 13 आई, क्लियर है ये। अब i की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो कितनी लेंथी कैलकुलेशन है, मुझे कम से कम 6 मिनट लगेंगे इसे सॉल्व करने में, 13 i और डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो पहले मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ, उसके बाद अब देखिए ये स्टेप मैं रब करने जा रहा हूँ,
अब डी क्यू 12 - 3/8 -3 क्यू इक्वल टू 1/104 dt। टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है? जीरो। टाइम टी पे कितना चार्ज है? क्यू। ये आपको पता होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ए प्लस बी एक्स है, तो 1/b log bx मतलब ये वाला इंटीग्रेशन है। ये होता है 1/b log a plus bx। ठीक है, अब देखो मैं इसे लिखने जा रहा हूं log 96 - 3 क्यू ठीक है अपॉन -3 ठीक है, ये हो जाएगा और लिमिट कितनी? 0 से q 104 dt। dt का कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन? 0 से t। पहले q रखेंगे फिर 0 रखेंगे, log a माइनस log b हो जाएगा तो log a अपॉन b, तो क्या बचेगा? देखो log और ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 96 - 3 क्यू अपॉन 96 और ये हो जाएगा -3/104 t। क्लियर है? देखो बच्चों जब हमें ये लॉगरिथम हटाना होता है तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, तो 96 - 3 क्यू अपॉन 96 और ये हो जाएगा e^-3/104 t। क्लियर है? और अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, ये हो जाएगा 96 इधर जाएगा तो भेज दो इसको, ये 96 और ये हो जाएगा 3q इक्वल टू 96 - 96 e^-3/104 t। क्लियर है? तो q ही आ जाएगा 32 1 - e^-3/104 t। ये चार्ज आ गया। इसमें ध्यान देना यहाँ माइक्रो है, मैंने क्योंकि ये 8 माइक्रो था ना तो मैंने इसका माइक्रो यूज़ नहीं करा था, तो 1 माइक्रो ऐसे। क्लियर है बच्चों? और ये इतना चार्ज आ गया और यहाँ पे भी माइक्रो होगा, ये माइक्रो मैंने बाद में यूज़ किया कैलकुलेशन के लिए। अब बताइए लगभग मुझे 5 मिनट लगे इस कैलकुलेशन को करने में। अगर हम इसको इस मेथड से ना करें, डायरेक्ट कोई और तरीका लगाएं जिससे ये डायरेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए अब दूसरा तरीका सीखिए, ये क्लासिकल तरीका था, अगर आपको कोई ट्रिक व्रिक समझ में नहीं आती तो आप इससे करिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरा तरीका लगाएंगे तो शायद आंसर एकदम आएगा। क्वेश्चन का तरीका देखा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ी, केवीएल लगाना पड़ा और इंटीग्रेशन भी यूज़ हुआ, तो टाइम काफ़ी लगता है इस काम में, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसे शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो क्या तरीका है? तो देखो वही क्वेश्चन मैंने दोबारा बनाया। क्या करते हैं भाई, आप सबसे पहले जो आपने इतने क्वेश्चन करे होंगे पहले, एक रूल हमेशा बनता है कि क्यू मैक्सिमम 1 - t/tau यानी कि c × r, ठीक है। ये तो समझते हैं आप भाई, चार्ज का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाए। अब मैक्सिमम चार्ज कितना होगा और ये c × r ये कितना होगा ये देखना है बस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि c तो यही है कैपेसिटेंस 8 माइक्रो, ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको थेवेनिन थ्योरम भी बोलते हैं हायर क्लासेस में, आपको नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करिए, सबसे पहले अगर r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं बस दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैं क्यू मैक्स और ये टाइम का तो फंक्शन पहले ही बन के आया था वो आंसर में, है ना। तो देखो जब r कैलकुलेट करना हो सर्किट का तो क्या करते हैं, बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं और इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस डायग्राम दिख रहा है ये 4 और 2 पैरेलल में, पता है क्यों? जैसे इस पॉइंट का नाम x रख लो, इसका y रख लो, चेक करके देखो, x और y के बीच में 4 ओम है और x और y के बीच में 2 ओम है, ये 2 ओम, तो ये दो पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट? 4 × 2 / 4 + 2 दैट इज 8/6 यानी कि 4/3, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 आ गया, साथ में ये 3 ओम क्या है सीरीज में, तो 4/3 + 3 कितना हो जाएगा? 4 + 9 / 3 कितना हो जाएगा? ये 13/3। क्लियर है? यानी कि जो R इक्विवेलेंट है वो 13 बाय
3 आया, क्लियर। तो R आ गया हमारा 13/3 ओम। अब कैपेसिटेंस कितना है, C कितना हमारे पास 8 माइक्रो, कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, C इंटू आर हो जाएगा 13/8 जा कितना होता है 104, ठीक है 104/3, और साथ में माइक्रो आएगा, क्लियर। यानी कि टॉ की वैल्यू आ गई, जिसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं आप, ये वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है। अब क्यू मैक्सिमम, तो पहले एक बार फिर समझाता हूं कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है। ये टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीखा हमने कि रेजिस्टेंस को हटा दो, सॉरी कैपेसिटर को हटा दो और जो बैटरी है उसको शॉर्ट कर दो और फिर कैलकुलेट करो। तो ये दो पैरेलल में होंगे और फिर सीरीज में, कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा यही तरीका है, ठीक है। अब देखो, अब कैलकुलेट करना है मैक्सिमम चार्ज, तो कैपेसिटर वापस लगा देते हैं। एक बात बताइए, मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा, है ना, और करंट जाना सर्किट में बंद हो गया होगा, 6 वोल्ट है ये। तो इसका मतलब अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, तो ये सर्किट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब फिलहाल इस कैपेसिटर पे जो यहाँ कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा। तो देखो, यहाँ से करंट आएगा, इधर से गुजर के जाएगा और ऐसे, तो ये 2 और 4 किसमें, सीरीज में ना, तो ये 2 और 4 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना करंट यहाँ से कितना ड्रॉ करेगा, 2+4 6 और ये 6 वोल्ट, तो I = हो जाएगा 6/2+4, समझ रहे हो, ये तो वर्थलेस हो गया, रेजिस्टेंस से करंट नहीं जा रहा है, इधर से जा रहा है करंट, तो कितना हो जाएगा 6/6 1 एम्पियर, क्लियर। अब मुझे क्या काम करना है, ये दो पॉइंट मैंने बनाए एक्स और वाई, मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है, क्यों, जितना वोल्टेज पहले यहां पता कर लेते हैं। देखो Vx - Vy, मतलब इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आ रहा होगा यहां से, यहां से जो 1 एम्पियर है, इधर से जा रहा होगा 1 एम्पियर, तो कितना वोल्ट हो गया यहां, 4 × 1 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो 4 वोल्ट इसके क्रॉस है, x और y के क्रॉस है, तो देखो मुझे यहाँ कैपेसिटर है उसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो देखो Vx, यहाँ पे भी Vx होगा, यहाँ पे भी Vx चला जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा Vx, और ये Vy, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा Vx - Vy, और वो कितना है 4 वोल्ट। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस स्टेडी स्टेट में कितना वोल्टेज आ चुका है 4 वोल्ट। तो देखो बस हो गया क्वेश्चन, 4 वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप हो गया, तो चार्ज कितना होगा, तो ये तो मैंने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखाया आपको, और चार्ज कितना हो जाएगा क्यू मैक्सिमम, आपको पोटेंशियल पता लग गया कैपेसिटर के क्रॉस, तो Q = CV, ठीक है, और C कितना हो जाएगा 8 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है 4, तो 32 माइक्रो कूलम, ठीक है। टाइम कांस्टेंट आ गया, क्यू मैक्स आ गया, इसमें वैल्यू रख दूं तो चेक करें क्या पहले वाला एक्सप्रेशन बन रहा है जो अभी डिराइव किया था हमने, क्यू मैक्स की जगह 32 माइक्रो कूलम माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, सॉरी यहाँ माइनस लिखा है, ये मिस्टेक था, माइनस टी, तो माइनस टी कहाँ गया वो, ये सी आर की वैल्यू, ठीक है, कितनी हो जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा 104 3 × t, चेक करिए क्या यही था आंसर पिछले केस का भी, मतलब जब हमने दूसरे मेथड से सॉल्व करा था सेम आंसर था। इसका मतलब सीधा सा फंडा समझ में आया, एक बार फिर समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, और इसमें क्यू मैक्सिमम और टाइम कॉन्स्टेंट पता करना है, तो क्या करो बैटरी को शॉर्ट कर दो, ठीक है, और इसको ओपन कर दो, कैपेसिटर हटा दो, और फिर इन दो पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड, रेजिस्टेंस फाइंड करो, इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, इनटू सी कर दो कैपेसिटेंस, तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, वो यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम चार्ज के लिए क्या करना है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है स्टेडी स्टेट पे, तो बैटरी लगाई, इसके क्रॉस वोल्टेज पता करो, कैपेसिटर के क्रॉस की वोल्टेज कितना होगा, वो वोल्टेज यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज पता करते हैं, जैसे भी आपने सर्किट पढ़ा उस तरीके से वो वोल्टेज मिलते हैं, क्यू मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है, ये रहा, और मैक्सिमम चार्ज आ गया, फिर Q = CV, वोल्टेज यहाँ रख के इस फॉर्मूले में रखा, बिल्कुल सेम आंसर आ गया, तो टाइम सेव हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं या KVL को। तो आज मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पढ़ाया, ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये तभी समझ में आया होगा अगर आपने पहले से RC सर्किट पढ़ रखा है, सीरीज वाला बेसिक केस पढ़ रखे हैं, ठीक है। और
कोशिश करते हैं कि अगर आपको इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसमें डाल सकते हो आप क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।